अब तक जो हमने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है हमने अब तक, ग्रेविटेशन के बारे में केवल दो फैक्टर्स हमने अब तक डिस्कस किए, फोर्स, और बार बार वर्ड बोला था हमने फील्ड। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी फील्ड फोर्स की ही कहानी है सारी। तो अब तक जो पढ़ा है वो सब है फोर्स से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड। जैसे कि फील्ड की हमने बात करी थी कि कहीं ये मास एम है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड आपको चाहिए पॉइंट पी पर, तो कैसे फाइंड करते हैं आप पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड? यहाँ एक टेस्ट मास लाकर रखते हैं, जिस पॉइंट पर भी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए उस पॉइंट पर आपने एक टेस्ट मास लाकर रखा एम नॉट, देखा कि इस एम नॉट पर कितनी फोर्स लग रही है, एफ वेक्टर की फोर्स लग रही है। फोर्स कितनी लग रही है यहाँ इस एम नॉट मास पर? फोर्स लग रही है इसे एफ को आपने एम नॉट से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल कर आ गई? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकल कर आ गई एट पॉइंट पी। हम इसे पी भी लिख सकते हैं, आई पी, आई पी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी। फोर्स पर यूनिट मास से हमने निकाला था, और यूनिट मास न लेकर के हमने मास कौन सा लिया था? टेस्ट मास। टेस्ट मास लिया था, यूनिट मास क्यों नहीं लिया था ये भी शायद आपको क्लियर हो अब तक का। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा था वो पढ़ा था फोर्स से रिलेटेड, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फील्ड था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन था, वो सब फोर्स फोर्स से रिलेटेड था। अब हम ग्रेविटेशन के बारे में कुछ नई चीज लेकर पढ़ते हैं, सीखते हैं। अब जो भी हम सीखेंगे वो फोर्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो वर्क से रिलेटेड है, वो वर्क से रिलेटेड है, ठीक है? फोर्स और वर्क दोनों में डिफरेंस होता है। क्या हुआ? देखो मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये भी नॉर्थ पोल है दूसरे मैग्नेट का, दोनों रिपेल कर रहे हैं। अगर मैं इन्हें एक दूसरे के पास लेकर आऊं तो मुझे रिपल्शन के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी और कुछ मेहनत करनी पड़ेगी इसे यहां तक लाने के लिए। रिपल्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा यहां तक लाने के लिए, ठीक है? अब ये तो मुझे यहां तक लाने के लिए वर्क करना पड़ा क्योंकि रिपल्शन के अगेंस्ट लेकर आ रहा हूं मैं। अगर भाई थी मैं इसको बदल दूं, इसको मैं बदल दूं, तो क्या मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा पास लाने में? ये तो खींचा चला आएगा अपने आप, खींचा चला आएगा अपने आप, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा भैया। देखो मुझे मुझे क्या करना, मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। हाँ ये बात जरूर है कि अगर मैं इससे अपने आप को इससे बांध लूं, बहुत बड़ा मैग्नेट हो, तो मैं भी खींचा चलाऊंगा। ये बहुत बड़ा मैग्नेट है, पूरी गाड़ी कार कार के बराबर, और मैंने अपने आप को बांध लिया इससे, बिठा बैठ गया मैं इसके ऊपर, तो मैं भी खींचा चलाऊंगा। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या, तो फिर इसका उल्टा, बल्कि मुझे तो कुछ मिलेगा, मुझे तो मजे आ जाएंगे, मैं तो फ्री में चला जाऊंगा यहां से यहां तक। मैं क्या होगा, फ्री में चला जाऊंगा बिना कुछ करे। वर्क करने के बजाय वर्क हमें मिल जाएगा, ऑप्टेन हो जाएगा। अब समझना ध्यान से। तो इससे ही हम फाइंड करते हैं एक नई फिजिकल टर्म। तो एक नया कंसेप्ट हम निकाल करके पढ़ते हैं, नई कंसेप्ट, नई फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या चीज? बहुत आसान है समझना। ग्रेविटेशनल फील्ड से, ग्रेविटेशनल फील्ड था रिलेटेड किससे? फोर्स से। ग्रेविटेशनल फील्ड किससे रिलेटेड था? फोर्स से रिलेटेड था। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वर्क से रिलेटेड। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे फाइंड किया था? कि जिस बॉडी का फील्ड आपको फाइंड करना है, जिस पॉइंट पर आप फाइंड करना है, वहां आप टेस्ट मास लेकर आए, जितनी फोर्स लग रही फोर्स को डिवाइड कर दें टेस्ट मास से, तो फोर्स पर यूनिट मास हो गई, और ये क्या बन गया? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब क्या है? अब ये एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल एम, ठीक है? और मैं एक दूसरा बॉडी टेस्ट मास लेकर आ रहा हूं, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस टेस्ट मास को लेकर आ रहा हूं। कहां लेकर आ रहा हूं? यहां इसके पास लेकर आ रहा हूं। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या? वर्क करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? तो
अच्छा, इन्फिनिटी पे फोर जीरो थी, अगर इन्फिनिटी से जरा सा खिसक जाऊं तो, अगर इन्फिनिटी से जरा सा आगे को आ जाऊं, पास को आ जाऊं तो, तब भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे इसे धकेलना पड़ेगा इसकी तरफ को, बॉडी की तरफ को, है ना, कैपिटल एम की तरफ को वो धकेलना पड़ेगा मुझे, एम नॉट को। हाँ? चलो ठीक है, तो मैं इसे लेकर आया, इन्फिनिटी से लेकर आया, और कहां तक लेकर आया, पॉइंट पी तक लेकर आया। ठीक, तो सपोज मुझे वर्क करना पड़ा, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में वर्क करना पड़ा मुझे, कितना वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। अगर मैं टेस्ट मास एम नॉट को ना लाऊं, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट मास, अगर मैं टेस्ट मास को ना ला करके किसे लाऊं, यूनिट मास कर लाऊं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू अपॉन एम नॉट। ये बात बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है, ये बात समझ में आती है कि एकदम कैसे लिख दो, एम नॉट अपॉन में क्यों लिख दिया आपने एकदम से। द वर्क पर यूनिट मास फाइंड करने के लिए अपॉन में एम नॉट कैसे लिख दिया, है ना, इस वर्ड को समझते हो, यूनिट, यूनिट का मीनिंग होता है वन, अगर यूनिट मास मैं कह रहा हूं तो 1 kg है वो मास, है ना। आपको एक चीज निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ केला पर यूनिट केला, बल्कि मैं यहां केला वर्ड यूज ना करूं, कॉस्ट पर यूनिट केला आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप ठेले वाले के पास जाओगे, भैया क्या से क्या हिसाब से दिए केले, ठेले वाला कहेगा कितने लोगे जी, ऐसे ले लूंगा भैया, एक दो दिन बताओ क्या क्या रेट दे रहे हो, ऐसा भैया बढ़िया है केले, एकदम बहुत बढ़िया क्वालिटी के केले देख रहे हो, मोटे मोटे बढ़िया वाले केले, ओरिजिनल कंपनी के लाए हूँ आज, बिल्कुल लोकल वाले नहीं है ये, जो आपको जो है ज्यादा महंगे नहीं पड़ने के, ये आपको लग जाएंगे 60 रुपये दर्जन, है ना। तो कॉस्ट पर यूनिट केला कितना हुआ आप बताओ जरा मुझे, 5 कैसे निकाल लिया, हवा में से निकाल लिया क्या आपने, क्या कहा आपने, करा क्या आपने, कॉस्ट ऑफ 12 केला इक्वल्स ₹60, तो कॉस्ट ऑफ 1 केला कितना है, 60 को आपने 12 से डिवाइड कर दिया, तब आपने 5 निकाला, तो मैं इस 1 की जगह क्या लिए वर्ड यूज करता हूं, यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट केला कितना निकल कर आया, 5 रुपए। ये क्या है मेरा 60 की जगह वर्क, कितने मास के लिए, एम नॉट मास के लिए, तो वर्क पर यूनिट मास कितना निकल कर आया, डब्ल्यू बाय एम नॉट, डब्ल्यू बाय एम नॉट निकल कर आया ना, वर्क वर्क पर यूनिट मास, तो वर्क पर यूनिट मास निकल कर आया डब्ल्यू अपॉन एम नॉट। W बता सकते हो, W की यूनिट क्या होती है, जूल, और मास की यूनिट kg, बस जो भी ये वर्क पर यूनिट मास है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, जो भी है, जो भी इसकी वैल्यू निकल कर आए, ये कैपिटल M है, कैपिटल M के कारण पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इन्फिनिटी से लेकर आओ एक एम नॉट को, और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इन्फिनिटी पर तो चलो 4-0, लेकिन जैसे इन्फिनिटी से हम एक कदम आगे बढ़ाए, हमें रोकने वाला कौन है, हमें कोई भी नहीं, तो कदम आगे बढ़ाने में कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो हमें फर्श पे चलने में, जमीन पे दौड़ने में वर्क करना पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, एयर के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, यहाँ तो कुछ भी नहीं इन्फिनिटी पर, तो जैसे ही हम आगे बढ़े, ये हल्की फोर्स होगी कोई बात नहीं, लेकिन खींच तो लेगा, रोकने वाला तो कोई है ही नहीं इसको, एम नॉट को, एम नॉट को खींचने से रोकने वाला तो कोई नहीं है, कैपिटल एम इसे एम नॉट को अपनी तरफ खींच लेगा,
एम नॉट को अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या होगा, फिर खींचते ही चले जाएगा और तेज क्योंकि फोर्स लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं कि हम इसके साथ बंधे हुए आ रहे हैं, हमने इसके ऊपर बैठे हुए आ रहे हैं एम नॉट के ऊपर, तो पॉइंट पी रहे पहुंच गए, तो हमें कितना काम करना पड़ा, हमें काम करना पड़ा डब्ल्यू। अब ये तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना जी, अभी तो कह रहे हो अपने आप चल रहा है, फिर कह रहे हो वर्क करना पड़ रहा है, वर्क हमें करना नहीं पड़ रहा, एक्चुअली वर्क मिल रहा है। तो वो हमें अपने आप यहाँ अभी मैथमेटिकली साबित हो जाएगा, भाई एक आदमी है उसने मुझे ठेका दिया, उसने मुझे कहा कि भाई आसिफ भाई ऐसा है ये एम नॉट मास है, यहाँ पी तक लाना आपको, जो भी बताओगे पैसे जो भी वर्क करना पड़ेगा। ने मुझसे कहा, मुझसे सौदा करा एक काम कि भी ऐसा ही एम नॉट वहां से इन्फिनिटी पर रखा हुआ, इसे पॉइंट पी तक लाना है, बताओ क्या पैसे लोगे। मैंने कहा ठीक है भी ला दूंगा, मैं हिसाब लगा लेंगे जैसे भी होगा, तुम काम तो करवाओ। मैं इन्फिनिटी पे पहुंचा, एम नॉट लिया, पॉइंट पी पर ला कर रख दिया, लाओ भी लाओ पैसे दो। कहने लगे कितना काम करा, मैंने कहा वर्क काम करा डब्ल्यू, वर्क कितना किया डब्ल्यू, फिर भी मेरे मुझे क्या हिसाब से पड़ा, मुझे क्या रेट पड़ा। मैंने कहा देख लो हिसाब, W से डिवाइड कर लो एम नॉट को, तुम्हें पता लग जाएगा पर यूनिट मास तुम्हें कितना पैसे पड़ रहे हैं, कितना वर्क करना पड़ रहा है, बस जितना वर्क करना पड़ा ये डब्ल्यू भी। लेकिन मेरी ये चलाकी, मेरी ये धोखेबाजी तो पकड़ी जाएगी ना कहीं, कहीं तो सब पता लग जाएगा कि मैंने वर्क तो करा नहीं है, बल्कि वर्क मुझे उल्टा मिला, मैं तो इसके ऊपर बैठ गया था अपने आप खिंचा गया है। वो हम बाद में देखेंगे, वो मैथमेटिकली अपने आप साबित हो जाएगा कि वर्क करना नहीं पड़ता, बल्कि वर्क उल्टा मिल जाता है, करना नहीं पड़ता। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि वर्क डन पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ा, बस यही वर्क इस पॉइंट पी पर कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वी पी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जूल पर केजी इसकी यूनिट हो गई। अब उसके बाद